शिमला को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई तो तब सामने आई जब कूड़ा संयंत्र ले जाने के बजाय जंगलों में फेंका जाने लगा। और इसके बाद नगर निगम के सफाई कर्मियों का ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद से मुख्य सचिव के निर्देशों पर नगर निगम ने आनन फानन में 3 सफाई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि सैनिटरी इंस्पेक्टर से जवाब तलब किया गया है। शिमला में जो ये जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई है, वो हमारे को एक रिपोर्ट मिली थी और डायरेक्शन भी आई थी सीएस साहब से कि जो हमारी लिफ्ट की पार्किंग है एमसी की, उसके नीचे जो गॉर्ज है वहाँ पे जो है कूड़ा फेंका गया, वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें हमने तुरंत कार्रवाई ये की थी कि अपने स्टाफ के जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो खुद उतर के उसको हमने रिट्रीव कर लिया था, वापिस सारा कूड़ा उठा लिया था। लेकिन जो ये कार्रवाई जो इन्होंने ये काम किया था जिन लोगों ने, उसमें जो 3 हमारे सैप के कर्मचारी थे उनको हमने सस्पेंड कर दिया है और उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उन्होंने उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाए।